आखिरकार टूटकर बिखरने लगा यूएन, अब भारत में बनेगी यूएन की नई बिल्डिंग। अमेरिका समेत 6 देशों ने यूएन की फंडिंग बंद की, भारत में जश्न का माहौल। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि यूएन के कर्मचारी आतंकवादी बन चुके हैं और वे मासूमों को सरेआम मौत की घाट उतार रहे हैं। आज हम इस बारे में बेहद भयानक खुलासा करने जा रहे हैं। कई लोग यूएन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, जहां चीन जैसे तानाशाह देश का वर्चस्व है, लेकिन भारत जैसे महान लोकतंत्र की कोई पूछ नहीं। पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत को वीटो पावर तभी मिलेगी जब मौजूदा यूएन टूटकर बिखर जाएगा और एक नए यूएन का निर्माण होगा। नए यूनाइटेड नेशन में भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट भी मिलेगी और वीटो पावर भी मिलेगा। पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश भारत में यूएन की नई बिल्डिंग बननी चाहिए। इजराइल और हमास की झड़प के बीच में अमेरिका समेत 6 देशों ने यूएन की एक एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी और यहां से यूनाइटेड नेशन बिखरना शुरू हो गया और यही भारत के लिए उम्मीद की किरण है। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर यूएनएससी में किसी भी बदलाव को लेकर अपना मुंह नहीं खोलते, इसी कारण अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बात यह है कि इजराइल ने सबूत के साथ यूएन की एक एजेंसी के 12 लोगों पर आरोप लगाया कि वो 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ मिले हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने सभी को नौकरी से निकाल दिया। यूएन के इस एजेंसी का नाम यूएनआरडब्ल्यूए है और इसके बॉस फिलिप लजारिन ने बोला कि एजेंसी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सभी आरोपी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आप जरा सोचकर देखिए दोस्तों, यूएन जैसे प्रतिष्ठित संगठन के अंदर आतंकवादी घुसे बैठे हैं, ऐसे में भला यूएन कैसे ढंग से काम कर पाएगा। बता दें कि यूएन की यह एजेंसी 1948 में बनी थी उन फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जो इजरायली कब्जे में अपना घर खो बैठे थे। अभी यह एजेंसी गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में तकरीबन 60 लाख लोगों की हेल्प कर रही है। इसका मेन काम है आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाना और सपोर्ट करना। लेकिन अब अमेरिका समेत 6 देशों ने इस एजेंसी को जबरदस्त झटका दे दिया है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड ने इसको फंड देना बंद कर दिया है, जिसके बाद यूएन की सांसें फूलने लगी है। यूएन ने अमेरिका समेत 8 देशों से अपील की है कि वो इस संगठन की फंडिंग बंद न करें, क्योंकि यह दुनिया के उन देशों या वहां के लोगों की मदद करता है जो किसी न किसी रूप में हिंसा या भूख से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हमें अपने 12 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत और सबूत मिले थे। इसके बाद तेजी से एक्शन लिया गया और 9 कर्मचारियों को हटा दिया गया। यह सभी यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए से जुड़े थे। इन पर आरोप थे कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में इनकी भी भूमिका थी। इन लोगों ने इन हमलों में हिस्सा लिया था और कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। अब तक इजराइल और यूएन दोनों ने ही इन कर्मचारियों और इनके रोल की डिटेल पब्लिक नहीं की है। गुटेरेस के मुताबिक, अगर हमें अगले महीने के लिए फंड्स नहीं मिले तो गाजा में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को खाना और पीने का पानी तक नहीं भेजा जा सकेगा। बता दें कि एजेंसी के जिन लोगों के इन हमलों में शामिल होने का आरोप है, उनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि यूएन अब निकम्मा हो गया है, उसे गुटेरेस जैसे प्रमुखों की कोई जरूरत नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे धांसु प्रमुखों की जरूरत है जो बुलडोजर एक्शन करने में माहिर है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें कि यहूदी सेटलर्स अब गाजा बॉर्डर के पास आने लगे हैं। अल जजीरा के हिसाब से ये सेटलर्स वो यहूदी है जिन्हें इजराइल की सरकार फिलिस्तीनी इलाकों में बसा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि गुरुवार को कुछ सेटलर्स ने 2 इजरायली बच्चों को देश का झंडा देकर गाजा बॉर्डर के नीचे से गाजा पट्टी की तरफ भेज दिया। एक वीडियो में एक आदमी बच्चों को बोल रहा है कि झंडा ठीक से लगाओ।
इजराइल डिफेंस फोर्सेस की प्रवक्ता का कहना है कि गाजा के लोग अब हमास के खिलाफ हो गए हैं। वो गाजा पट्टी से हमास की सरकार को हटाने के नारे लगा रहे हैं। वहीं इजराइल बता रहा है कि उन्होंने खान यूनिस के लोगों को निकालने के लिए एक कॉरिडोर बनाया है। गाजा के लोग बोल रहे हैं कि हमास उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा। CNN ने भी कहा कि जो लोग सफेद झंडा लेकर गाजा छोड़ रहे हैं उन पर गोलीबारी हो रही है। एक वीडियो में दिखा कि कुछ लोग सेफ कॉरिडोर से गाजा छोड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं और बच्चे के हाथ में सफेद झंडा है। अचानक से गोली चली और वो बुजुर्ग महिला गिर गई। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में शनिवार को गाजा के जनसंहार के मामले की सुनवाई हुई थी और हमारे भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी भी वहां थे। जस्टिस भंडारी ने ICJ के फैसले का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि गाजा में जो क्रूरता हो रही है उसकी बहुत सख्त निंदा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को फटाफट बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पता है कि यूएन का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो 1945 में बदलकर सिर्फ यूनाइटेड नेशन हो गया। अगर आप इस बात को जानते हैं तो नीचे कमेंट में हाँ लिखें, और अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट में ना लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुरंत आ रहा हूँ एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।